हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी इजी एंड सिंपल फिश करी है। बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस है, बनाना बहुत ही इजी है। स्पेशली मैं बैचलर्स के लिए ये रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेट्स स्टार्ट। फिश करी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1/2 किलो कैटफिश लेकर अच्छे से धो ली हूँ। आप कोई भी फिश अपने मनपसंद के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैटफिश इसीलिए ली हूँ कि बच्चों के लिए खाना आसान होता है ये, क्योंकि इसमें एक ही बोन होता है। चलिए फिश को मैरिनेट करते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक हम बाद में करी में भी यूज़ करेंगे तो कम ही डालेंगे। अभी 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च के पाउडर डाल देंगे और इसमें हम 2 बड़े चम्मच फेंटी हुई दही डालेंगे। दही हमें फ्रेश वाली यूज़ करनी है, खट्टी दही यूज़ ना करें। खट्टी दही यूज करने से करी का टेस्ट खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा, क्योंकि हमें बाद में टमाटर भी यूज करना है। तो चलिए अब हम हाथों से रब करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1/2 आवर के लिए फ्रिज में या फ्रिज के बाहर छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, इसमें डालेंगे 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। तेल को हम अच्छे से हाई फ्लेम पे पहले जलाएंगे, तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे। और हमने जो 1/2 आवर से फिश को मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था, फिश हमारी मैरिनेट हो गई है। अब हम फ्लेम को स्लो करके ये पीसेस को इसमें डाल देंगे। हमेशा जब फिश फ्राई करे तेल को बहुत अच्छे से गर्म करे, उसके बाद फ्लेम को स्लो करे, फिर पीसेस इसमें डालें, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर ये पीसेस डालने लगेंगे तो चटकता है, तेल उड़ने लगेगा। तो फ्लेम को स्लो करके ये पीसेस डालें, फिर एक तरफ से अच्छे से इसे फ्राई होने दें 2 से 3 मिनट के लिए। और जैसे ही एक तरफ से फ्राई हो जाएगा उसके बाद इस तरीके से आप पलट लें इसे। तेल को अच्छे से गर्म करके फिश के पीसेस अगर डालेंगे तो पलटना आसान हो जाएगा, ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तो देख सकते हैं मैंने ये पीसेस को पलट लिया है और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से गोल्डन कलर में आने तक हम फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ भी ये फिश के पीसेस अच्छे गोल्डन कलर में फ्राई हो गई है। अब हम ये पीसेस को एक प्लेट में ले लेंगे। फिश के पीसेस को फ्राई करने के बाद मैंने प्लेट में ले लिया है। यहाँ पे इस कढ़ाई में जो तेल बच गई है इसी में हम करी भी रेडी करेंगे, एक्स्ट्रा तेल नहीं ऐड करेंगे। फ्लेम को अभी मैंने मीडियम कर लिया है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। तेल अभी गर्म है, जीरा को चटकने देते हैं। इसमें अब हम डालेंगे 3 हरी मिर्च जिसको मैंने चीरा लगा कर रखा है, हल्का सा स्लाइट चीरा लगा ले, फिर इसमें डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर के बारीक काट करके रखा है। इस रेसिपी में जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ होगी उसकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस रेसिपी में मैं कोई भी चीज़ ग्राइंड करके नहीं ले रही हूँ, सारे चीज़ मैं काट कर या ग्रेट करके ले रही हूँ। तो इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ सेकेंड्स के लिए प्याज को हम भून लेंगे, साथ में इसमें कुछ कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और साथ में इन्हें भून लेंगे। प्याज हल्की ब्राउन होने तक हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। प्याज को कुछ देर के लिए भून लेने के बाद प्याज का हल्का रंग चेंज हो गया है, सुनहरी रंग में आ गई है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच अदरक, 10 से 12 लहसुन के कली और 1 हरी मिर्च को कूट कर लिया है। ये मिश्रण हमारा 2 बड़ा चम्मच है। आप अदरक लहसुन को घिस करके या ग्रेट करके ले सकते हैं, हरी मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं। इसमें हम ये अदरक लहसुन का घिसा हुआ पेस्ट इसमें डाल देंगे, प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे, जिससे अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा, प्याज और थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए इसे भूने। लगातार चलाते रहेंगे, मसालों को जलने नहीं देना है। अब हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे। इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। पाउडर मसालों को तेल के साथ भून लेने से करी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें डाल देंगे 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हमने ऑलरेडी हल्दी पाउडर यूज किया था मैरिनेशन के समय, ध्यान रखें। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च के पाउडर डालेंगे। अगर तीखा कम खाते तो इसे कम कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच डालेंगे, जिससे करी का कलर बहुत अच्छा आता है। आप अगर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें 1.5 छोटा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और ये पाउडर मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। पाउडर मसालों को जलने ना दें, लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर मसाले चिपक रहे हैं कढ़ाई में तो आप इस समय 1 से 2 बड़ा चम्मच पानी लेते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए चलाते हुए मसालों को भून लें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालें
और इसे लगातार चलाते रहें और भून लें कुछ सेकंड्स के लिए, जिससे हम ये मसालों का कलर हल्का चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने कुछ सेकंड्स के लिए मसालों को भून लिया है, मसालों का बहुत ही अच्छा कलर हो गया है, तेल अलग होने लगी है। अब मैं यहाँ पे 3 टमाटर को ग्रेट करके ली हूँ, इसमें हम डाल देंगे। टमाटर को मैं घिस कर ले रही हूँ। घिस कर लेने से टमाटर का छिलका हट जाता है और बहुत ही आसानी हो जाती है। जिसके पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं है वो भी इस तरीके से ले सकते हैं। आप अगर प्यूरी बना कर लेना चाहते तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं। जैसे ही हमने टमाटर डाला, साथ ही में हम नमक भी डाल देंगे, जिससे कि टमाटर जल्दी पक जाएंगे। ध्यान रखें नमक हमने मैरिनेशन टाइम भी यूज़ किए थे। टेस्ट के अनुसार नमक डालें, मिक्स कर लें और इसे ढक कर 2 मिनट पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेने के बाद मसालों में से तेल अलग होने लगे, बहुत ही अच्छी कलर आई है। चलिए एक बार इसे चलाएंगे और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी पहले 1 गिलास ऐड करेंगे। इस ग्रेवी को आप थोड़ी सी पतला या थोड़ी सी गाढ़ा अपने मनपसंद के अनुसार रख सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा 1 गिलास पानी ऐड कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर और 1/2 गिलास पानी ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को हाई पे करेंगे, इसे ढक करके पानी ये ग्रेवी में उबाल आने देते हैं पहले। तो देखिए ग्रेवी में उबाल आ गई है। जल्दी उबाल आने के लिए मैंने ग्रेवी को ढक लिया था, तो उबाल आ गई है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए फिश के पीसेस डाल देंगे और जेंटली मिक्स करेंगे। अब हम फाइनली इसमें ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर, क्योंकि हमने अभी तक गरम मसाला पाउडर इसमें नहीं डाला है। मिक्स कर ले और अब हम इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। 4 मिनट पका लेने के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये हमारा फिश करी बनकर रेडी हो गया है। कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, 1 मिनट ढक के छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। जी फ्रेंड्स, तैयार है इजी एंड सिंपल फिश करी, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। खाने में तो डिलीशियस है ये, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसे हर कोई इजीली बना सकता है। एक बार ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको रेसिपी पसंद आई। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।